रिफ्रेश क्लासेस है जिसमें हम आपको फॉर्मूला के बारे में आपको बताएंगे, एक्सेल फॉर्मूले के बारे में। अली अली जी, जैसे कि कल मैंने आपको इसका बताया था, थोड़ा सा और ही दिया था कि कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं उसके बारे में, लेकिन हम बात कर रहे हैं सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में। तो हम वन बाय वन, कैटेगरी बाय कैटेगरी फॉर्मूले को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी हमारा जो है वो है लॉजिकल काम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब डिस्कस करते हैं कि लॉजिकल कैटेगरी के जो फॉर्मूले हैं उसका इस्तेमाल क्या है। एक कंडीशनल है कि एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे अपने रिजल्ट को शो करने के लिए लॉजिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, जैसे कि इफ फॉर्मूले। ज्यादातर इसमें हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी ज्यादातर इफ का इस्तेमाल करते होंगे। तो चलिए लॉजिकल कैटेगरी से हम अपने फॉर्मूले की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं कि लॉजिकल कैटेगरी से कि आप लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे, पता होगा कि एक कंडीशन पे हाँ या ना का आंसर देता है। जैसे कि हमने एक सैंपल डेटा रख लिया, अब इस सैंपल डेटा में मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें एक मिनट से देवेंद्र जी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पे हम इसको वैल्यू बेस कर देते हैं ताकि ये रैंड मिडिल फॉर्मूला अपना रिजल्ट न बदले। अब मुझे इसे मान लीजिए कि करना है कि जो ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है और जो लेस देन 50 है। तो मान लीजिए जो ग्रेटर देन 50 है इसमें हमें ओके शो करना है, शो करना है, और जो लेस देन 50 है उस पर पेंडिंग शो करना है। या फिर मान लीजिए हमें चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर देन 50 है, तो जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस वगैरह, तो उसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे हम कंडीशन देते हैं इफ। तो इफ का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कुछ अपना रिजल्ट चाहिए, लेकिन मुझे जस्ट चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 है लेस देन 50 है, तो जस्ट उसके लिए हम यहां पे अपना ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं यहां पे ग्रेटर देन 50। तो यहां पे देखिए ग्रेटर देन 50 आपका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे इस ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे, जो ट्रू एंड फॉल्स दिख रहा है, इस ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे अपना रिजल्ट चाहिए, जैसे ओके पेंडिंग या कुछ भी अपना रिजल्ट आपको चाहिए होगा, तो उस केस में इस्तेमाल करते हैं इफ फॉर्मूला। इफ देवेंद्र जी, लग रहा है आपके आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर जरा शो सही कर रहा है, आपका हेडफोन भी शो कर रहा है। अच्छा, सुन पा रहे मुझे ना आप? आपकी नहीं, कोई बात नहीं, चैट पे डाल दीजिए कुछ प्रॉब्लम होगा तो। और पहले बता दूं, एक मैंने सुन पाया था, एक बेसिकली एक क्लास आपकी और अली जी की थी, लेकिन फॉर्मूले का रिफ्रेश था, इसलिए हमने हमारे और भी बैचेस थे उनको मैंने इनवाइट कर लिया था, रात के जो बैचेस थे। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने ओके और यहाँ पे हमने पेंडिंग कर दिया। ठीक है,
तो रिजल्ट जो होता है इफ क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करता है ओके और टेलिंग। लेकिन तो ये बताने का पर्पस यही हुआ कि जो ए हमने ग्रेटर देन 50 लगाया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन हम एक कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम यहीं पे मर्ज कर देते हैं कि हम यहीं पे लिख देते हैं कि इफ क्या ए ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है तो यहां पे ओके आएगा, अदरवाइज पेंडिंग आएगा। तो इस बात से ये चीज मैं ये बताने का पर्पस सही था कि जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर की जो हम परफॉर्मेंस देते हैं वो इफ का पार्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इफ के साथ उसको हम कंबाइन करते हैं। दूसरा, जब भी कोई फॉर्मूला, नॉट ए इफ, जब भी कोई फॉर्मूला आप लगाइएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला लगाते ही आपको यहां पे जैसे कलेक्टर लीजिएगा, जैसे ऑटो सजेशन आ जाएगा। तो जैसे जिस लेटर से हमने आई लिखा तो आई से स्टार्ट होने वाले सारे फॉर्मूले का लिस्ट आपके सामने दिख गया। तो यहां पे क्या है कि जो फॉर चाहिए उसको हम टैब से सिलेक्ट, मतलब कि एरो की से नीचे अप डाउन कर सकते हैं, और जैसे जैसे करेंगे उसके सामने मुझे उसका डेस्टिनेशन दिख जाएगा। तो इससे पता चल जाता है, और जिसको सेलेक्ट करना है जैसे आप टैब मारिए वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद नीचे जो आप देख रहे हैं ये आपको आएगा, क्या आएगा, इसको सिंटैक्स बोलते हैं कि इसमें इनपुट क्या क्या दे रहा है। तो सारे लिखे हुए, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ ट्रू फॉल्स, और कॉमा से हम इसको सेपरेट करते हैं। अब एक चीज याद ध्यान रखिए कि लॉजिकल टेस्ट जो आप देख रहे हो नॉर्मल है, बाकी जैसे कोटेशन में मतलब कि बड़ी ब्रैकेट्स में है, इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट्स बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग बड़ी ब्रैकेट्स नहीं बोलते हैं, जो बड़ी ब्रैकेट्स। फोर्थ ब्रैकेट है सर, क्या बोलते हैं सर, तो जो बड़ी ब्रैकेट्स है इन बड़ी ब्रैकेट के अंदर में हमारा जो है वो ऑप्शनल है, मतलब कि लॉजिकल टेस्ट में ना डालू और एंटर मार दू तो हमारा फॉर्मूला बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन लॉजिकल टेस्ट अगर मैं दे देता हूं, क्योंकि ये रिक्वायर है, इसको डालना जरूरी है, तो अगर हम वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स ना भी डालें तो भी आपका डिफॉल्ट रिजल्ट आ जाएगा, वर्क कर देगा। तो जो भी आप फॉर्मूला लगाते हो, जैसे कि आगे चलते हो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाओगे, इसमें भी देखिए इंस्टेंस नंबर बड़ी ब्रैकेट है, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हो इक्वल वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हो, तो इसमें भी आप देख रहे हो ये रेंज लुकअप ये ऑप्शनल है, तो इसको डालने की जरूरत नहीं है, डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलिए अब कुछ इफ के एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल इफ एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं यहां पे एक चीज करना चाहता हूं, ऑटो सीरियल नंबर जनरेट करना चाहता हूं, जैसे कि यहां पे नहीं ऑटो सीरियल नंबर नहीं, एक पहले एक देख लेता हूं। हाँ, जैसे कि यहां पे मैं नेम दे दिया और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं, तो मुझे क्या करना है कि जितने भी नाम हो सबको एक सीक्वेंस देना है कि पुनीत वन, या दूसरा पुनीत, या तीसरा पुनीत, इस तरह से सीक्वेंस देना है। हालांकि इसके लिए हम लोग काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर काउंट इफ इस्तेमाल ना करो तो इफ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इफ की मदद से करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन काउंट इफ पे डेटा को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा जब आप इफ के साथ करते हैं। तो हेलो सर, हर्षीदर सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपके आंसर प्रॉब्लम होगा सर, मेरे आंसर क्लियर है, देखिए जी सर, तो मेरी आवाज सबको प्रॉब्लम कर रही है, अली जी आपको प्रॉब्लम कर रही है मेरी आवाज,
हाँ कभी कभी जी सर। अटक अभी अटक रहा है सही है सर। यार, ये सर हमारे देख इनको इंटरनेट की प्रॉब्लम से होती है सर, क्योंकि मेरे यहाँ से दिक्कत होगी तो हर किसी को दिक्कत होगी। तो ठीक है, मेरा शुरू करता हूँ। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल इफ में बोलते हैं कि अगर ए नीचे वाला इक्वल है ऊपर वाले से, हमने बोला नीचे वाला अगर इक्वल है ऊपर वाले से तो यहां पे आए ऊपर वाले प्लस वन, अदरवाइज वन से स्टार्ट करें। अब कंडीशन आप लोग ध्यान से देखिए, हमने कंडीशन दिया कि ए टू इक्वल टू ए वन, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मैच करती है तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दो। और अदरवाइज वन से स्टार्ट कर दो। तो अब इसको मैंने सिलेक्ट करके नीचे अगर मैं ड्रैग करता हूं, देखिए नीचे अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि ए इंदर इंदर आपस में बराबर है, इसलिए ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दिया। यहां भी आइए बराबर है। अब यहां कविता अब यहां पे चेंज हो रहा है, चेंज हो गया तो इसलिए वन से स्टार्ट कर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे आपने ये बताया कि अगर ये इक्वल है तो ऊपर वाले में प्लस वन करना है। सर, ऊपर वाले में अगर अपन सीरियल नंबर लिख देंगे टेक्स्ट में तो वो तो वैल्यू एरर दे देगा, हाँ, या अपन को ब्लैंक ही ये सिलेक्ट करना है। ऊपर ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक रखना है ना। ठीक है, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, अगर ऐसा है कि ऊपर सीरियल नंबर आप लिख रहे हो तो अगर ये दिक्कत हो जाएगी, हमने बात सही बोला इन्होंने कि अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया तो तो एरर दे देगा, ये नहीं, नहीं 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 एरर इसमें नहीं देगा, नहीं देगा एरर सर। नहीं देगा। क्यों नहीं एरर देगा? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थोड़ी होगा, अच्छा समझे? वन आएगा ना, फॉल्स पार्ट चलेगा ना, ट्रू पार्ट तो चलेगा। ठीक है, तो सर जैसे मान लीजिए, अब ये अपन टेक्स्ट और नंबर न्यूमेरिक वैल्यू को ये टोटल कर देगा। अरे सर आपने नहीं समझा, ये इस पार्ट को वर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये इस पार्ट को परफॉर्म कर रहा है ना, ओके ठीक समझ गए? हालांकि ऐसा नहीं होगा, अगर इस है। पार्ट में परफॉर्म करे तो एरर आएगा, लेकिन इस पार्ट में परफॉर्म नहीं करे, मुझे पता है परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि नाम और नेम मिसमैच, ये वन से सीक्वेंस नंबर स्टार्ट कर रहा है, समझ गए? हाँ, अगर ये इक्वल होते तो परफॉर्म होता ही। अगर इक्वल अगर इंदर ऊपर भी कर दूं तो एरर आता। तो एरर दे देगा। यस अब चलिए इसमें आगे चलते हैं, एक सीरियल नंबर की बात हो रही है, एक काम और करते हैं, मैं एक ऑटो सीरियल नंबर जनरेट करना चाहता हूं, जैसे कि सीरियल नंबर यहां पे नहीं। अब मैंने यहां पे मान लीजिए कि वन लिखा और अब यहां पे नाम दे दिया, मान लीजिए इंदर नाम दे दिया, राइट? अब जैसे यहां पे दूसरा नाम पूजा लिखूं तो यहां पे ऑटोमेटिक एक नेक्स्ट सीरियल नंबर आना चाहिए, समझ गए? यहां पे ऑटोमेटिक टू आ जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होता, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहां पे हम फॉर्मूला देंगे कि इफ अगली वाली सेल जो है, मतलब कि बी कॉलम वाली सेल वैल्यू जो है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है। हमने क्या बोला, बी थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। बी थ्री क्या है? जहां पे सीक्वेंस नंबर आ रहा है उसकी नेक्स्ट सेल है। तो बी थ्री इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या हो, हमने जीरो क्यों किया? क्योंकि जो ब्लैंक सेल होता है एक्सेल इसको जीरो मानता है, ब्लैंक सेल को एक्सेल जो है
जीरो मानता है, इसलिए हमने ग्रेटर देन जीरो किया। ठीक है, और फिर यहां पे करते हैं ब्लैंक, यहां उसे ऊपर ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दे, अदरवाइज ब्लैंक। कंडीशन को देखें देवेंद्र जी, आप भी देखिए कंडीशन को, बड़ी सी कंडीशन है कि B3 इज ग्रेटर देन जीरो तो A2 में प्लस वन करे, अदरवाइज ब्लैंक। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो जितना सेल नंबर हो सकता है, इमेजिन करो कि आपकी डेटा एंट्री कितनी हो सकती है, उतना तक नीचे आप भेज दो। और जैसे यहां डेटा एंट्री कोई करेगा, यहां पे से किसे लिखा नेम मोना इंदु, तो अपने आप ही आएगा। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ये अच्छा है बट परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं परफेक्ट? कि अगर हमने एक कॉलम छोड़ के इसमें अगर किसी का नाम लिख दिया तो यह गेट एरर। क्यों? क्योंकि ये जो आप ब्लैंक सेल आपका दिख रहा है, जो ब्लैंक सेल आपका दिख रहा है, ये इसको एक्सेल टेक्स्ट मानता है, एबीसीडी मानता है। तो इसलिए टेक्स्ट में वैल्यू प्लस करने पे जीरो ही जाता है, इसलिए यहां पे जीरो हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम ब्लैंक शो करें फिर भी यहां पे फाइव आ जाना चाहिए, तो हम इसी कंसेप्ट को लेंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जैसे कि मैं यहां पे कहता हूं कि इफ, हमने बोला कि अगर नेम इज ग्रेटर देन जीरो तो मैंने बोला मैक्स मैक्स, और हमने ए ऊपर वाले वैल्यू ले लिया सी वन से सी वन एंड प्लस वन अदरवाइज। अब यहां पे अगर ऊपर में अगर सीरियल नंबर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैक्स फॉर्मूला टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। अब नीचे ड्रैग करने से पहले हम पहली सेल की वैल्यू को फ्रीज कर देंगे, एफ फोर से इसको हम फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज कर दिए, फिर नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, सॉरी सर, आपका दो मिनट का पॉज हो गया था, तो आई डोंट एबल टू हियर यू। देवेंद्र जी आप ऑफलाइन चले गए थे, आपका इंटरनेट कनेक्शन कट गया था सर। ओके, तो मैं बताया था तुम्हारे को बाद में, यहां पे हमने क्या किया था कि यहां पे हमने B3 इज ग्रेटर देन, हमने क्या बोला सीक्वेंस नंबर में बोला कि B3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो A2 में प्लस 1 कर रहा है, और ये वर्क कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर हमने कोई लाइन ब्लैंक छोड़ के फिर यहां पे नाम लिखा तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि जो ब्लैंक हमने डाला है इस टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट में हम किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन हमने इसी कंडीशंस में क्या किया कि हमने मैक्स लगा दिया, हमने मैक्स सी वन सी वन प्लस वन, तो मैक्सिमम में टेक्स्ट और ब्लैंक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम नीचे ड्रैग करने से पहले एक जो C1 है इसको हमने फ्रीज कर दिया, इससे क्या हुआ जब नीचे ड्रैग करते हैं, नीचे तक ड्रैग किए तो ये हम जहां भी फॉर्मूला लग रहा है वो अपने से ऊपर वाले वैल्यू को लगा पे लगा रहा है। ठीक है, अपने से ऊपर वैल्यू को लगा रहा है और प्लस वन का रिजल्ट दे रहा है। सर ये मैक्स का फंक्शन क्या रहता है? मैक्स का फंक्शन होता है किसी भी सिलेक्टेड सेल में से मैक्सिमम वैल्यू को निकालना। ठीक है, इसे बताया कि इस कॉलम में 90 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है सर, राइट। तो सीक्वेंस नंबर समझ में आ गया कि मैक्स जो है परफेक्ट, ये जो ए एग्जांपल है इज द परफेक्ट सीरियल नंबर, और इसमें हमने पहले वाले को फ्रीज क्यों किया, ताकि जहां भी फॉर्मा लगाऊं वो उससे ऊपर तक की रेफरेंस को पकड़े, नीचे की रेफरेंस को ना पकड़े। ठीक है,
अब इसी मेथड पे हम यहां भी कर सकते हैं, जो हम यहां फ्रीज करना हमें शॉर्ट करना पड़ा, तो इसमें भी हम इसका कर सकते हैं काउंट इफ के मदद से, कि काउंट इफ, काउंट इफ क्या करता है कि अगर एक कॉलन हमने सिलेक्ट कर लिया, बोला कि इंदर को काउंट करो, तो बताएगा कि इस पूरे कॉलन में इंदर कितना बार है, 16 बार। लेकिन काउंट इफ लगाते समय हम थोड़ी सी एक डिफरेंस स्टाइल को चेंज कर दें, तो एक नया चीज बन के आता है। जैसे कि रेफरेंस स्टाइल को मैंने F4 लगा दिया, फ्रीज कर दिया, तो हमने क्या किया, रेफरेंस तीनों एक ही जैसा लिया, A2 से A2 कॉमा A2, पहले वाला A2 को हमने फ्रीज कर दिया ताकि जब नीचे ड्रैग करूं तो A2 से A3, A2 से A4 इस तरह से इंक्रीज हो, लेकिन पहला A2 फिक्स है, नीचे वाला पोर्शन चेंज होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका सिक्वेंस नंबर आएगा, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि आपका डेटा शॉर्ट हो। जैसे मैंने यहां पे कविता डाल दिया, ये पहला कविता और नीचे दूसरा कविता, बट ये नंबर जो हमने किया, ये जो एग्जांपल लगाया, इसमें दिक्कत हो, क्योंकि ये शॉर्ट ऑर्डर में होना चाहिए। सर काउंट इफ जो किया था सर जी, काउंट इफ सर पहला जो A2 से A2 जो रेंज लिया ना सर, हम लोगों ने A2 से A2 रेंज लिया, इसके बाद A2 कर दिया, और यूनिक आईडी निकल के आ गया ना, यूनिक कोड दे दिया हम लोगों ने। हाँ, यूनिक हमने हर किसी की काउंटिंग दे दी, नो ना, इज नॉट यूनिक, हर किसी को ने काउंट दे दिया, काउंट कर बता रहा है कि ये पहले इंदर, दूसरी तीसरी है, फिर चौथा इंदर यहाँ है, पांचवा इंदर, उसका काउंट पोजीशन वाइज काउंट पता चल जाता है। ठीक है सर, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ मैथ्स में किया, सेम चीज मैंने यहाँ पे किया, राइट? चलिए, इसमें हमने आपको सिंगल कंडीशन लगाना तो सिखा दिया कि सिंगल कंडीशन कैसे लगाते हैं। अली जी, आपके बैकग्राउंड शोर आ रहा था, जैसे मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आपको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बुरा मत मानिए कि मैंने आपको म्यूट कर रखा है। ठीक है अली जी? हाँ सर, चलेगा। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने एक ही कंडीशन लगाया था, तो मुझे इसी कंडीशन पे मुझे ये लगाना, दो कंडीशन लगाने हैं। मतलब ये क्या था, सिर्फ ग्रेटर देन 50 था, मैं बोलता हूं कि मुझे चेक करने हैं कि जो 85 टू 90 है, या फिर 50 टू 80 कर लेते हैं, 50 टू 80, तो 50 टू 80 को चेक करना है। मतलब कि हमें कंडीशन देना है कि ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन इक्वल टू 80। जब आपको दो कंडीशन लगाने हो और दोनों कंडीशन रिक्वायर हो, तो उसके लिए हम यहां पे एंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, कि एंड इसको चेक किया, बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड, और चेक किया लेस देन इक्वल टू 80, तो एंड के फॉर्मूले के अंदर में डालते हैं। तो हम एंड फॉर्मूला को सेल्फ भी लगा सकते हैं, जिसका रिजल्ट सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता है। ट्रू कब आएगा, कि इसके अंदर में दिए गए सारे कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू है, तो वो अपना रिजल्ट भी ट्रू देगा। मतलब जितने भी हमने लॉजिक और लॉजिक्स लगाए हैं, वो सारे लॉजिक्स का रिजल्ट ट्रू है तो ट्रू आएगा, कोई एक फॉल्स आया तो फिर वो फॉल्स आएगा। अब चाहते हैं इस ट्रू फॉल्स को ओके देने या किसी और चीज में कन्वर्ट करना, तो इसको इफ के अंदर में डाल दीजिए कि इफ अगर एंड का रिजल्ट ट्रू है तो ओके, अदरवाइज देन। सर बोलिए सर, जैसे आपने एंड का फॉर्मूला अंदर करा है तो इफ के अंदर, तो सर कोई भी फॉर्मूला पहले परफॉर्म जो करेगा वो अंदर होगा, उसके बाद बाहर वाला होता है? हाँ, अंदर से बाहर चलता है। अगर इसको समझना हो तो आप फॉर्मूला मेनू बार में आपके पास एवलेट फॉर्मूला होता है, चेक कीजिए कैसे चलेगा, सबसे अंदर वाला फॉर्मूला वर्क करता है।
ठीक है। लेकिन अगर मुझे और ज्यादा दो या दो से ज्यादा कंडीशन और लगाना हो, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक दे दूं, और जैसे कि मेरे पास कुछ नेम है और रिजल्ट, मान लीजिए रिजल्ट, रिजल्ट में मान लीजिए कि प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू इस तरह से रिजल्ट्स है, तो यहां पे हम दे देते हैं पूजा। और यहां भी इसके रिजल्ट्स है। अब मुझे इस रिजल्ट्स पे पास और फेल देना है, पास और फेल देना है। लेकिन कंडीशन क्या है पास देने का, कि हर सब्जेक्ट में 30 से ऊपर नंबर आना चाहिए, ठीक है। होता है ना कि चार सब्जेक्ट एग्जांपल दिया है, चारों सब्जेक्ट में अगर 30 से ज्यादा है तो पास होगा, किसी एक सब्जेक्ट में से, ये देखिए इसमें आपको दो सब्जेक्ट इसका कम है तो फेल होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में भी हम इफ के साथ एंड का इस्तेमाल करेंगे कि इफ, और यहां पे देंगे, देखिए हम अगर भी हो तो पहले एंड लगा लीजिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहां पे पहले एंड लगा लिया और हमने एक एक करके सारे कंडीशन दे दिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। और रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो जो कंडीशन, जो सारे सब्जेक्ट में पास है पास है, अदरवाइज फेल है तो फेल आएगा। फिर यहां पे हम इफ का फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे कि अगर ए ट्रू है तो पास, अदरवाइज फेल। इस तरह से इसका कर सकते हैं, ठीक है सर। किसी को डाउट? सर एक क्वेश्चन से यहाँ पे, जैसे मेरे पास ऐसा था सर कि लॉग इन आवर्स मैंने क्या किया, जैसे जो ओवर टाइम निकालने के लिए मैंने दो कंडीशन मुझे चाहिए था। एक मैंने क्या किया, जैसे लॉग इन आवर्स था 8 आवर्स के ऊपर जो होगा, 8 आवर्स के ऊपर 1 घंटा अगर कंप्लीट किया तो मतलब उसको कंसिडर करे, और उसी दिन अगर उसका प्रोडक्टिविटी मोर देन 100 रहेगा तब जाके मतलब वो मतलब मुझे रिजल्ट दे। तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन लगा दीजिए। एंड में आप एंड में डालिए कि पहला कंडीशन होगा एंड में कि 8 आवर से ऊपर होना चाहिए, फिर होगा कि जो टाइम है उसमें से -8 आवर करो कि 1 घंटा से ऊपर होना चाहिए, चाहे नहीं एक ही दो 9 आवर से ऊपर होना चाहिए ना, 8 आवर जो 9 आवर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए, तो ट्रू आएगा तो आप बाकी जो कैलकुलेशन करना कीजिए। क्या हेलो, हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ। बोलिए जी सर, जैसे अपन इफ एंड के साथ एक और भी यूज करते हैं ना, वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? मैं क्या बताता हूँ सर, एक एक करके बताता हूँ, सब रखिए आता हूँ टॉपिक पे। लेकिन इस एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देवेंद्र जी मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं सर। हाँ आप सुन बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जब आपने नेम में ड्रैग किया था तो आपके नेम्स ऑटोमेटिकली कैसे आ रहे हैं, आपने इसको टेबल फॉर्म लिया हुआ? कस्टम लिस्ट के अंदर ऐड कर, नहीं कस्टम लिस्ट के अंदर इस चीज को ऐड करना होता है जो कि ऑप्शन में होता है। एक्सेल ऑप्शन में जाओगे, एडवांस में आप जाएंगे तो आपके पास कस्टम लिस्ट होता है, कस्टम लिस्ट, इसमें आपको लिस्ट को ऐड करना होता है। तो मैंने ऐड कर रखा है। ओके एंड विद इन विद इन द, जब आपने P1 P2 के अंदर आपने नंबर दिए थे तो इसमें आपका R AND का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ रहा था? नहीं, मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया था रैंडम नंबर के लिए। ओके तो इसमें एक चीज क्या है कि इसको तो एंड से आप कर सकते हो ना, राइट। लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए होता है ना कि 12 सब्जेक्ट है 15 सब्जेक्ट है और भी जो चाहिए है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। इफ एंड लगा, आप देखिए यहाँ 4 कंडीशन लगाना पड़ा,
तो अगर आपका सबका कंडीशन सेम और रिजल्ट भी आपका देना है, मतलब कई सारे कंडीशंस को चेक करके रिजल्ट देना है, कई सारे सेल में एक कंडीशन को चेक करके रिजल्ट देना है, मतलब कि कई सारे सेल से मुझे चेक करना है ग्रेटर देन 33 रिजल्ट पास और फेल देना है, तो उस केस में हम यहाँ पे काउंट इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिंपल होगा, इससे बहुत आसान तरीके से लगेगा। काउंट इफ मैंने रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इनवर्टेड कॉमा में, ठीक है, और फिर एंटर कर दिया तो रिजल्ट आपका 4 आया। तो कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है, जहां जहां 4 रिजल्ट आया वो पास होगा। इसको फिर इफ लगा दो कि इफ काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू 4 तो पास आए, अदरवाइज फेल आए, तो ये आपसे आसान पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सर? बढ़िया है। अली जी आपको कोई प्रॉब्लम है सर? ये E4 एंड जब हम एजिंग रिपोर्ट में यूज करते हैं 30 से 60 दिन के अंदर हमारे कितने पेपर हैं, तो वहां पर सर इफ नंबर ऑफ डेज फिर ब्रैकेट करके स्टार का निशान लगाते हैं, वहां भी सर वो स्टार वाला लॉजिक बताना सर क्या होता है एंड में इफ एंड। हाँ, स्टार वाला लॉजिक लगा सकते हैं। स्टार वाला लॉजिक होता है जो कि ये होता है, जैसे कि वर्ड पे चेक करना है, मुझे मान लो कि वो बताऊंगा मैं थोड़ा देर में, ठीक है। काउंट इफ में लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं आप, लेकिन एक ग्रेटर देन जितने भी जो है ना इस तरह का सिंबल काउंट इफ में चेक कर सकते हैं, लेकिन एक कब यूज होता है जब आपके पास सिर्फ एक कंडीशन, सब में 30 यूज करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें मुझे 30 यूज करना है, दूसरे में 35 यूज करना है, तीसरे में कुछ और यूज करना है, चौथे में कुछ और यूज करना है, तो फिर ए फॉर्मूला वहां पर शूट नहीं करेगा, तो आपको ए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्लैब स्लैब कंडीशन या ग्रेडिंग सिस्टम भी कर सकते हो, स्लैब कंडीशन जो बोलते हैं, स्लैब कंडीशन कैसे इस्तेमाल करेंगे इफ के अंदर। तो जैसे कि मैंने यहां पे एक नंबर्स दे दिए और मुझे इसमें मान लीजिए कि मुझे सेल्स पे इंसेंटिव देना है, मुझे इंसेंटिव, तो इंसेंटिव में क्या होता है कि अगर 0 to 45 हुआ तो मुझे देना है 500 का इंसेंटिव, एंड 41 to 80 हुआ तो मुझे देना है 1000 का, और 81 to 100 हुआ तो 2000, और ग्रेटर देन 100 पे 5000 देना। तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि इस कंडीशन में हर कोई नंबर के लिए कुछ ना कुछ है, कुछ ऐसा नंबर नहीं है कि यहां उसके लिए कुछ नहीं, तो यहां पे इफ और एंड नहीं लगाएंगे, यहां पे हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, एक कंडीशन नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसलिए हम नेस्टेड इफ लगाएंगे, मतलब एक एक इफ एक कंडीशंस के लिए, और जितने भी इफ है उन सब को उतने कंडीशंस यहां पर देंगे, जितने इफ उतने कंडीशन, तो जितने इफ उतने कंडीशन, तो यहां पे हम लगाते हैं इफ, इसको सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि ग्रेट लेस देन इक्वल टू 40 लेस देन इक्वल टू 40 ऐसा हुए तो 500 दे, देन अगेन इफ इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू, अगर ए 80 है तो अगला कंडीशन है कि 1000, फिर और एक कंडीशन कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000, फिर कंडीशन दिए इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू, नहीं इससे ग्रेटर देन हो जाएगा ए टू ग्रेटर देन 100 है तो यहां पे 5000। ध्यान से देखिए कंडीशंस को, आप लोग हमने दिया कि ए टू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो तो 500 का, तो ए पहला इफ
कि पहले पहले इफ इसी कंडीशन और या इसका ट्रू पार्ट, दूसरा इफ जो है पहले इफ के फॉल्स पार्ट में। तो इफ ए टू इज लेस देन इक्वल टू ए टी तो 1000, फिर दूसरा इफ का ट्रू पार्ट हो गया, तीसरा इफ दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में आ गया। इसी तरह से कंडीशंस आगे कैरी फॉरवर्ड होते चले। अब इससे क्या होगा कि ये चेक करेगा कि अगर लेस देन 40 है तो 5000 दे देगा और यही सारे कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये आगे की कंडीशन फॉलो नहीं होगा। फिर चेक करेगा कि अगर नहीं, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 40 नहीं है, 68 है, तो ये आगे दूसरे इफ को कैरी फॉरवर्ड करेगा। दूसरा इफ क्या करेगा, ए टू इज लेस देन 80 है, 80 से छोटा है, देखा 80 छोटा है, 68 है, तो ये 1000 यहाँ पे शो करेगा और बाकी जितने भी आगे की कंडीशंस को स्किप करके फाइनल रिजल्ट आपको दे देगा 1000। ठीक है देवेंद्र जी, अली जी, कोई डाउट इसमें? नथिंग। तो इसको स्लैब्स बोलते हैं, स्लैब कंडीशंस बोलते हैं कि एक कंडीशंस के आगे दूसरी कंडीशंस। अली जी कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? हेलो अली जी, सुन रहे हैं मुझे आप? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। डाउट नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ओके, अब चलिए बताते हैं हम आपको टैक्स कैलकुलेशन। अब मार्च का महीना चल रहा है, सबके माथे में एक ही सवाल है कि टैक्स कैसे फिर भरेंगे। तो चलिए टैक्स की कैलकुलेशन आप लोग निकाल के देते हैं। टैक्स की कैलकुलेशन, जैसे कि टैक्स का स्लैब क्या कहता है, टैक्स स्लैब कहता है कि 0 to 3 lakhs पे कुछ नहीं लगना है, राइट, एंड 3 to 5 पे क्या लगना है, सॉरी 3 lakh to 5 lakh पे क्या लगना है, 10%, राइट, एंड 5 lakh to 10 lakh पे क्या लगना है, 20%, एंड 10 lakh to greater than 10 lakh होता है, फिर greater than 10 lakh पे लगना है 30%। तो दिस इज अ हमारा इंसेंटिव है, इनकम टैक्स का स्लैब है। अब यहाँ पे जो आपके टैक्सेबल इनकम है, आप बाकी जो भी रिडक्शन होते हैं जैसे पीएफ का या अभी जो भी एचआर या अभी जो भी फॉर्म 60 वाले जो चीजें हटते हैं कि हाँ इससे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स डिडक्ट हो जाता है, तो वो चीजें आप यहाँ डाल सकते हो, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है। उसको पहले वो चीजें डिडक्ट करके यहाँ पे फाइनल टैक्सेबल अमाउंट आप कर सकते हो कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट हम डाल देते हैं कि हम यहां पे 3,50,000 है। अब यहां पे हम इंसेंटिव देते हैं, तो यहां पे हमें जो लगेगा ना स्लैब इंसेंटिव भी लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी कि इफ कि अगर ए लेस देन इक्वल 3 lakh से, तो यहां पे जीरो शो होना चाहिए। ठीक है, फिर कंडीशन दिया दूसरा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 5 lakh है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 lakh, तो क्या करें, तो इसमें से 3 lakhs को माइनस करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 lakh, और फिर उसका 10% निकाल। देवेंद्र जी मैं सही कर रहा हूं? बिल्कुल सर, करेक्ट। अब इसमें एंटर मारिए, आपको पता चल जाएगा आगे ना 50,000 का 10% 5,000। ठीक है, अब इसमें आगे चलना है हमें नेक्स्ट की तरफ।
यहां पे कंडीशन हुआ कि इफ कि अगर ए लेस देन इक्वल टू व टेन लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, तो मुझे इसमें से माइनस करने, मुझे इसमें क्या करना है कि मुझे इसमें से पचास पांच लाख का दस परसेंट देना है, पचास हजार होता है तो पांच लाख का दस परसेंट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार प्लस ब्रैकेट में हमने इसमें से माइनस कर दिया दस पांच लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन रहेगा अगेन कि इफ अगर ए ग्रेटर देन हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, तो सबसे पहले हमें नहीं 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 यहां पे जो हमने पचास हजार दिया है गलत दिया, ये पचास हजार नहीं होगा क्योंकि इसमें मुझे तीन लाख तो फ्री है ना, तो दो लाख का दस परसेंट देना है ना, तो दो लाख का दस परसेंट बीस हजार होगा, आप लोगों ने देखा नहीं, तो बीस हजार प्लस, तो यहां पे हो जाएगा बीस हजार प्लस फिर पांच लाख का दस परसेंट पचास हजार दो स्लैब, और तीसरा स्लैब में प्लस होगा इसमें कि इसमें से माइनस हो जाए कितना दस लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, दस लाख ही है ना, और मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया 30%। एक मिनट कहीं पे हमारा लग रहा है कुछ छुटा हुआ है, सर अपने क्या 20% का ब्रैकेट नहीं आया सर, 20% में नहीं ब्रैकेट तो देना ही नहीं है, अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होना चाहिए, तो ब्रैकेट क्लोज मत कीजिएगा, ब्रैकेट अपने आप क्लोज कर देगा लास्ट में, जितना ये फॉर्मूला अपने आप क्लोज कर देगा, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो क्या हुआ जो कैलकुलेट हमने कुछ नहीं किया, हमने कैलकुलेशन सारे कर दिए कि कंडीशन तो ही रहा, हम कैलकुलेशन करते चले गए भाई माइनस करके 10% दे दो कि ए टू में, मतलब कि अगर 3 लाख से कम है तो जितना है 3 लाख से कम जो जो ज्यादा है 5 लाख से कम 3 लाख से ज्यादा है उसको 10% दे दो, फिर हमने यहाँ का 10% बोला कि 20,000 तो इसका 2 लाख का होगा ही होगा, फिर जो 5 लाख से 10 लाख के स्लैब वाला है वो माइनस करके उसका 20% निकाल दो, तो सेम चीज यहाँ पे नहीं किया। अब लग रहा है आपको कि लेंदी कैलकुलेशन हो गया ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, ये 20,000 कहता हूँ 20,000, देखिए हमने क्या बोला कि इफ ए टू इज लेस देन इक्वल टू 10 लाख, तो 10 लाख से कम है, मतलब 7 लाख का किसी का है तो 7 लाख में क्या होगा, अगर किसी के 7 लाख अगर ए है, 7 लाख अगर ए हुआ इनकम हुआ टैक्सेबल, तो 2 लाख पे तो क्या मिलेगा, 2 लाख पे तो उसको 10% देना है, अब बाकी के 2 लाख पे उसको क्या देना है, 20% देना है ना, 3 लाख तो फ्री है ना, यस सर 3 लाख हो गया 7 लाख, 3 लाख फ्री हुआ, 2 लाख पे 10%, 2 लाख पे 20%, हमें पता है कि 2 लाख तो फिक्स है, 2 लाख का 10% 20,000 होता है, तो 20,000 डाल दिया, तो सर इसको ब्रेक के करके लगाना पड़ेगा, हाँ कहने मतलब नहीं समझा कि एक स्लैब अगर मान लो इसने इतना इस स्लैब पे यहां स्लैब पे आया तो इस स्लैब को पार कर लिया ना, अगर ये नीचे वाला स्लैब पे आता है तो ऊपर वाले स्लैब को जोड़ना पड़ेगा ना अमाउंट में, तो हो गया, तो हम कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिए। तो इसका एक और तरीका है आप करने का,
मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और फिर जाता हूँ इसमें फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम। अब कितने स्लैब है मेरे, चार स्लैब, तीन स्लैब है ना, तो हमने यहाँ पे दे दिया स्लैब वन, और स्लैब वन में मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि जो हमारा A2 है, A2 माइनस 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, राइट, और मैंने इसको ओके कर दिया। फिर अगेन मैं जाता हूं डिफाइन नेम में, बोलता हूं स्लैब टू, स्लैब टू, स्लैब टू का है 5 से 10 है, ठीक है, तो मैंने बोला कि 20,000 प्लस A2 माइनस 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख का 20%, ठीक है, इसको भी ओके कर देता हूं। फिर स्लैब थ्री, स्लैब थ्री, तीन, मतलब कि हमने कैलकुलेशन जो है ना इफ में ना करके मैं यहीं पे अलग अलग नाम पे कैलकुलेशन कर रहा, तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 50,000, नहीं हाँ 50,000, तो यहाँ पे 1 लाख आएगा, किसे 1 लाख आएगा, 5 से 10 लाख के बीच में 20% है, तो 5 लाख का 20% जो हुआ वो आपका 1 लाख हुआ। हाँ हाँ माफ कीजिए, गलती हो गई, देखिए आप लोगों ने देखा नहीं, दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख प्लस, फिर इसमें से हम A2 माइनस करेंगे 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, फिर उसका 30%, जैसे कि यहां पे जो हुआ ना, जहां पे हमने एक किया हुआ है 50,000 किया हुआ है, तीसरे में 50,000 नहीं होगा, 1 लाख होगा। तो हमने क्या किया कि तीन, हमने यहां पे तीन अलग अलग नाम बना लिए पहली स्लैब के लिए, और जो कैलकुलेशन हमने बाहर की थी वो सेम कैलकुलेशन मैंने यहां पे कर दी, राइट। और उसके बाद अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ अगर ए ग्रेट लेस देन इक्वल टू 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, तो 0 है। फिर कंडीशन कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू इकाई दहाई सैकड़ा हजार, माफ 5 लाख होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 10 लाख, 1 लाख ही तो जाएगा ना, तो स्लैब वन, ठीक है। फिर कंडीशन में दूसरी कंडीशन कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 10 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, तो स्लैब टू, ठीक है। देन कंडीशन इफ इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि अगर ए ग्रेटर देन 10 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, तो स्लैब थ्री, समझ गए, ये था आसान हुआ, आसान हुआ ना सर। और ज्यादा आसान करना चाहते हो आप तो इसको भी कॉपी करो, कॉपी करके फिर डिफाइन नेम में जाओ, एक और न्यू नेम ले लो और इसमें आप डालो टैक्स, और सॉरी यहां पे टैक्स, टैक्स, और इसके जगह पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दो, एंड ओके। अब यहां पे आपको क्या करना है कि इक्वल टू टैक्स लगा देना है, और सिंपलाइज हो गया। तो नेम मैनेजर की मदद से आप अपने फॉर्मूला को या कैलकुलेशन को सिंपलाइज कर सकते हो, मतलब कि जो टुकड़ों में कैलकुलेशन होता है वो किसी सेल पे या उसी फॉर्मूले के अंदर ना करके आप नेम में कर, लेकिन वहां पे डॉलर का ही रखना। अगर मैंने यहां कहीं डॉलर लगा देता तो फिर कहीं और लगाऊंगा तो A2 के साथ फिक्स हो जाएगा, लेकिन अब इस फॉर्मूले को प्रॉब्लम नहीं है कि मान लीजिए कि मैं यहां पे लगाना चाहूं तो मैंने यहां कर दिया टैग, यहां पे कर दिया अमाउंट, और यहां बस इक्वल टू टैक्स लिखना है,
ठीक है, तो सिंपल है। तो सर ये अपना यूनिक फॉर्मूला बना लिया। हाँ समझ गए। सर ये नेम मैनेजर में जो हमने फॉर्मूला डिफाइन किया है हम दूसरी शीट्स में लेके जा सकते हैं क्या? हाँ दूसरी वर्कबुक ले सकते। तो इट ऑटोमेटिकली गो और डू वी कॉपी इट अगेन? लगा लो सिंपल सा, जैसे अमाउंट बना लिया बस, फॉर्मूले के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो इक्वल टैक्स। आई मीन नई फाइल में लेके जा सकते हैं? नई फाइल में लेके जा सकते हैं? नहीं फाइल एक मिनट, इसमें स्कीम हाँ नहीं 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 नहीं, अगर आप किसी ऑफ विद इन फॉर्मूला करना विद इन सीट करना चाहते हैं सर, तो फिर आपको देखें यहाँ पे सीट का नेम दिया हुआ है G3 सीट 6 G3, तो सारे सीट 6 को डिलीट करने होंगे, फिर आपको सिर्फ G3 रखना पड़ेगा दूसरे सीट में यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी यहाँ देखा तो यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो क्यों हुआ है? क्योंकि ये B2 B3 सीट 6 B3 देख रहा है, समझ गए? अब मैं यहाँ पे ये वहां को डालता हूँ फिर रिजल्ट वहां आएगा, क्योंकि नेम मैंने सीट लिया तो आप फॉर्मूला हटा दो फिर कर सकते हो, लेकिन किसी और फाइल में ले आ सकते हो, और फाइल में ले आने में दिक्कत होगा। तो आगे बढ़े इसमें बढ़े, अब बात करते हैं और कंडीशन के लिए, जैसे कि मेरे पास एक आईडी प्रूफ का कुछ आया हुआ है, आईडी प्रूफ के लिए हमारे पास कुछ मैंने चाहे हुए जिसमें यहाँ पे हमारे पास नेम है और उसके यहाँ पे इन्होंने पैन दिया है, सॉरी पैन बोल गया, पैन कार्ड, वोटर, डीएल, पासपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे नेम मैंने दे दिया कि पूजा, जो भी नेम देना चाहो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्टेटस शो करना, तो स्टेटस में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे वाई दू यहाँ पे मतलब कि पैन कार्ड या इसमें क्या हो सकता है कि कौन में किसी भी से कोई एक आईडी प्रूफ के लिए दे सकता है या एक से ज्यादा भी दे सकता है, तो कम से कम एक होना चाहिए, तो जहां भी एक है वहां पे हम यहाँ पे और का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इक्वल टू और। तो और क्या करता है कि इसमें एक भी कंडीशन इसको ट्रू मिला तो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। हेलो जी, हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोल रहा हूँ, तो यहां पे हम इक्वल टू वाई कर देते, इक्वल टू वाई कॉमा, इसको सिलेक्ट किए इक्वल टू वाई कॉमा, इस तरह से आप वाई वाई दे सकते हो इक्वल टू वाई, तो रिजल्ट है तो ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स है, अगर सारे में रिजल्ट इसका नहीं है तो फॉल्स आएगा। और इस तरह से इफ लगाना है, ओके पेंडिंग जो देना है तो यहां पे इफ, यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग दे सकते हैं। और सेम अगर आप अगर मान लीजिए कि कंडीशन सब में सेम ही है, सब में वाई चेक करना है, रिजल्ट भी आप ओके पेंडिंग देना है, तो यहां पे इसे बेटर है कि आप काउंट इफ इस्तेमाल कर लें, काउंट इफ, और हमने चेक कर लिया कि यहां भी वाई होना चाहिए, ठीक है, और फिर कंडीशन दे दीजिए कि इफ अगर काउंट इफ का रिजल्ट इज ग्रेटर देन जीरो तो यहां पे ओके आए, अदरवाइज पेंडिंग आए, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कुछ लोग वाई ना लिख के यस लिख दे, ये तो हो सकता है, तो काउंट तो रिजल्ट देगा नहीं, तो आप यहां पे वाई के जगह पे
यहाँ पे बाद में मैंने स्टार डाल दिया, तो अब ए यहाँ पे ओके आया, क्यों? क्योंकि ए हो गया स्टार्ट विथ वाई, तो यस भी लिखा रहेगा तो आ जाएगा, हमने बाद में स्टार लगाया जिसने स्टार्ट विथ वाई, दोनों तक लगा देंगे तो कंटेन, पहले लगा देंगे तो एंड विथ वाई, तो एक काउंट इसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सर ये स्टार क्या होता है यहाँ पर? क्या होता है वेरिएबल? स्टैटिक हो गया, स्टैटिक हो गया, उसको स्टैटिक बोलते हैं, मतलब कि एक टेक्स्ट पे अप्लीकेबल होता है, चाहे आप वीलुकअप लगाएं चाहे वो लगाएं, तो अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है लेकिन चाहते हो कि स्टार्ट में ऐसा होना चाहिए या बीच में कहीं होना चाहिए या एंड में होना चाहिए, तो ये स्टार का इस्तेमाल। तो इफ फॉर्मूला, इफ कंडीशन में इफ एंड और हमने सीख लिया, तो कंडीशन यहां पे हमारा खत्म होता है, राइट? अब हम सेकेंड कैटेगरी डेट एंड टाइम के ऊपर चलते हैं। हेलो, हाँ बोलिए सर। एक मेरे पास एक डेटा है, जैसे उसमें तीन कॉलम्स हैं, तीन कैटेगरी हैं, उनका कुछ जैसे अमाउंट अमाउंट है 0.75% और दो का अमाउंट है 0.25, मतलब टोटल होता है 1.25%। तो मेरे पास तीनों में स्टेटस लिखा हुआ है, एक में वाई, एक में एन, दो तीसरे में भी वाई, मतलब यस नो यस, बट मेरे को काउंट करना है कि ये कौन से परसेंटेज वाले स्लैब में आ रहा है, लेकिन वन वाले का 0.75 है, सेकंड का 0.25, थर्ड का 0.25, अब मैं कैसे जज करूंगा उसको कि कौन से वाले में, मतलब कौन से वाले स्लैब में जा रहे हैं? नहीं समझे, तो आप काउंट क्या करना चाहते हो? कहने का मतलब मैं जैसे तीन कॉलम है अपने पास, एक में यस है, दूसरे में यस है, तीसरे में भी नो है, एंड नो। अब इनकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन करनी है, जो मेरी मेन अमाउंट है उसका कैलकुलेशन करना है, पॉइंट पहले वाले का 0.75 से 75%, दूसरे वाले का 0.25%, तीसरे वाले का 0.25%। अब इसमें क्या मेन जो वैल्यू है, मान के चलिए 10,000 का 0.75% जाना है इस बंदे को ओनली, क्योंकि दो में एन है, तो मैं मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो किस तरह से मैं निकालूंगा से इसको? तो आप ये करना चाहते हो जिसकी हेडिंग वाई है, हाँ, उसमें करना, उसकी वैल्यू क्या है, एक बार डेटा आपको मुझे देखना पड़ेगा, मुझे डेटा मेल कर दो। ठीक है सर, मैं आपको एक फॉर्मेट बना के भेज दूंगा, आप मेरे को थोड़ी सी हेल्प कर देना, थोड़ी काम तो हो गया। ठीक है, मुझे आप एक बार देख लूंगा, मैं अंदाज से नहीं बताना चाहता क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि आप ऑफिशियल वर्क जाओ, मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में आपको शेयर कर दूंगा आपको। तो अगली टॉपिक पे चलते हैं, अगली टॉपिक है हमारा डेट सीरीज की टेक्स्ट फॉर्मूले, राइट? तो टेक्स्ट फॉर्मूले की कैटेगरी पे हम आते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बैटेक्स वगैरह यूज होता नहीं है क्योंकि नंबर को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को, तो थाई लैंग्वेज इंडिया में यूज होता नहीं है। कैर है, कोड है, तो इसके बारे में एक बार जान लेंगे क्या होता है। कोई भी नंबर है तो इसको हम यहाँ पे कैर डालते हैं, कोड, हर नंबर का एक कोड होता है। सर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, सर एक सेकंड में आंसर।
सॉरी सर, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने, हमारे पास एक कोड का फॉर्मूला होता है, वो क्या करता है, कोड निकालता है। हर नंबर का एक कोड होता है, जिसको एक्सेल समझता है उसी नंबर से, हाँ इसका कोड ही है। तो इसलिए इसका कोड जो है वो आया हमारा 6। सर 65 कोड आया, और इस कोड से हम यहाँ पे कैर का लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब बोलेंगे इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट हम आपको बताएंगे, इसका बेनिफिट क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं अब बात करते हैं कि अगर हम कभी कभी यहां पे कुछ लिख देते हैं, सिर्फ लिख दिया सुजीत और स्पेस मार दिया, तो होता क्या है कि देखने में आपको ये लग रहा है कि डेटा, मतलब कि दो मैंने सुजीत लिख रखा है, अब दोनों को मैच करेंगे तो दोनों मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों दिख तो रहा है सुजीत, लेकिन एक में स्पेस डाला हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का सोल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि हम इसको ट्रिम फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, TRIM। तो ट्रिम फॉर्मूले हम इसको लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये वैल्यू को, जो स्पेशल जो आपका स्पेस है उसको रिप्लेस कर देता है। आप बोलोगे कैसे, कैसे पता चला फिर दोनों एक ही जगह दिख रहा है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेन का, जो कि लेंथ ऑफ वैल्यू बताता है कि किसी सेल में कितना पर्टिकुलर करेक्टर है वो बताता है। तो 7 है, और जब मैं इसको इक्वल करके लेन लगाता हूं तो मुझे पता चलता है कि इसकी करेक्टर कितना है, 6 है, 7 और 6, ठीक है। तो इसे इसने रिमूव कर दिया, पता चल गया मुझे लेन फॉर्मूले से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रैप टेक्स्ट होता है, जैसे होता है कि हम ऑल्ट एंटर प्रेस कर देते हैं, कि ऑल्ट एंटर प्रेस करने पे कर्सर नीचे चला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है ट्रिम का, तो ट्रिम से ये आपको नहीं हटता है। अब देखने को सुजीत कुमार भी दिख रहा है आपको, लेकिन टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, मतलब कि मैं इक्वल टू अगर इसमें ट्रीम का फॉर्म, इसमें क्या बोलते हैं लेन का फॉर्म लगाऊं तो एक लेटर मुझे ज्यादा लिखेगा। देखिए एक लेटर जो है मेरा ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे हटाया जाए? तो एक हमारे पास क्लीन का फॉर्मूला है जो कि इसको क्लीन कर देता है। तो अगर मैं इसको वापस लेन लगा के दिखाऊं तो इसने उस लेटर को हटा दिया। तो लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम क्या है, सेपरेटर तो नहीं हुआ ना, सुजीत और कुमार के बीच में सेपरेट होना चाहिए, मतलब कि मैं बात करना चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर, किसी अनदर करेक्टर से रिप्लेस करने की, मतलब कि जो रैप टेक्स है इसको नॉन प्रिंटेबल करेक्टर कहते हैं, उसको रिप्लेस करना किससे, स्पेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि रिप्लेस करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सेल में जितने भी डॉट्स है उस डॉट्स को रिप्लेस कर दे डैश में। तो इक्वल करेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूट, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि डॉट को रिप्लेस कर दे डैश में। तो जितने भी डॉट है उसको रिप्लेस कर देते हैं डैश में, सिलेक्टर के एंटर मारी रिप्लेस हो गया। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से रिप्लेस कर देता है।
बड़ा कौन सी छोड़ गए क्या? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉमा अगर हम यहाँ पे वन दे दिए, क्या है स्टेंस नंबर, तो ये मैंने बताया कि बड़ी ब्रैकेट पे, तो अगर मैंने यहाँ पे इस नंबर ये दे दिया, इंस्टेंस नंबर दे दिया, वन दे दिया, तो सिर्फ पहले को रिप्लेस करेगा। अगर मैं टू दे दूंगा तो फिर दूसरे को करेगा, थ्री दे दिया तो तीसरे करेगा, या फिर हम सारा दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं तो हर किसी को रिप्लेस करेगा। तो इंस्टेंस नंबर, तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि किसी करेक्टर को रिप्लेस करता है, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है, तो है रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि किसी सेल वैल्यू के अंदर बताना पड़ता है कि मेरा रिप्लेसमेंट कहां है। तो मैंने बोला कि चौथे नंबर से एक करेक्टर को डॉट में कन्वर्ट कर दे, मतलब कि एक पोजीशन के हिसाब से चलता है, इससे इसको करेक्टर से कोई मतलब नहीं है किस करेक्टर को रिप्लेस करना है। ये सिर्फ क्या करता है कि आपके पोजीशन, जैसे कि F2 है, F2 में जो पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो पोजीशन में इसने बताया कि मुझे डॉट को, मैंने कि डैश को डॉट बनाना है, कौन सा, तो चौथे नंबर से एक करेक्टर को। अगर चौथे नंबर से मैं यहां दो करेक्टर दे दूं तो फिर वो दो को कर देगा, थ्री डैश और थ्री दोनों को कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर को रिप्लेस करने का दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है आपका सब्स्टिट्यूट जो कि करेक्टर के अकॉर्डिंग रिप्लेस करता है, और दूसरा फॉर्मूला है आपका रिप्लेस का जो कि एक पर्टिकुलर पोजिशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। बट यहां पे तो करेक्टर को रिप्लेस करना है, तो यहां पे इस्तेमाल होगा सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। बट प्रॉब्लम ये है कि जो रैप टेक्स्ट है, जो कि हम ऑल्ट एंटर प्रेस करके लाते हैं, उसको हम यहां कैसे लिखें, क्योंकि यहां पे ऑल्ट एंटर लिखेंगे तो नीचे कर्सर चला जाएगा, गलत हो गया। तो यहां पे हमें हेल्प करेगा ए, मतलब कि मैं किसी पर्टिकुलर सेल पे ऑल्ट एंटर से प्रेस करके एंटर मार दूंगा। अब यहां पे मैं कोड का फॉर्मूला लगाता हूं जिससे मुझे पता चलेगा कि इस करेक्टर का कोड क्या है। जैसे ए का कोड 65 है, ऐसे ही इस रैप टेक्स्ट का कोड जो है वो 10 है। मतलब मैं कैर फॉर्मूले के अंदर, से मैं कैर फॉर्मूले के अंदर 65 डाला है तो ए आ गया, ऐसे ही अगर मैं कैर फॉर्मूले के अंदर 10 डालूंगा तो ये रैप टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसका बेनिफिट मैं यहां उठाऊंगा कि मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहां पे मैं कैर 10 देता हूं एंड यहां पे स्पेस, माफ कीजिएगा, हाँ स्पेस, स्पेस देना, स्पेस, और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, अब अगली चीज पे आते हैं, अब बात करते हैं सेपरेशन की। कि मान लीजिए कि किसी सेल में वैल्यू है, यहाँ पे सर अगर इसमें सुजीत जैसे आपने लिखा है, अगर सुजीत से पहले चार बार स्पेस है तो सर ट्रिम और क्लीन काम करेगा सर? करेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा सर स्पेस को? नहीं नहीं नहीं, करेगा। ट्रिम जो है अनवांटेड रिप्लेस, इसको रिप्लेस करता है, जो आगे हो पीछे हो बीच में उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जैसे बीच में है तो बीच में रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन बीच में एक से ज्यादा है तो बीच का भी रिप्लेस करेगा, तो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अगर इसके मेरे पास ये नंबर है, मैं लेफ्ट राइट मिड से तीनों को अलग करना चाहता हूं, तो मैं यहां से लेफ्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, लेफ्ट फॉर्मूला से बोलूंगा कि लेफ्ट से थ्री लेटर को अलग करें, देन राइट फॉर्मूला को बोलूंगा कि राइट को राइट से तीन लेटर को अलग करें,
और फिर मैं मिड फॉर्मूला लगाऊंगा, बोलूंगा कि मिड से, अब इसको मुझे बताना पड़ेगा कि मिड हमारा स्टार्ट कहां से है। तो मैं बोलूंगा कि मिड जो मेरा स्टार्ट है वो तीसरे चौथे नंबर से मिड स्टार्ट है, तो ये पांचवे नंबर से, और तीन कैरेक्टर को लेना है। तो मिड से तीन कैरेक्टर ले लिया। तो सेपरेशन करने के लिए लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से सेपरेशन करने के लिए, राइट फॉर्मूला राइट सेपरेशन करने के लिए, और मिड फॉर्मूला मिड से सेपरेशन करने के लिए। लेकिन मुझे इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताने पड़ेंगे कितना करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई मेल आईडी है, जिसे मैंने यहां पे लिख दिया kumar@iptindia.com, ऐसे मेरे पास बहुत सारे मेल आईडी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, तो मुझे यहां से आईडी को अलग करना है और साइट को अलग करना है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट फॉर्मूला लगाता हूं तो लेफ्ट में अगर मैंने इसको फाइव लेटर दे दिया तो कुमार को अलग कर देगा, लेकिन जरूरी थोड़ी कुमार, हो सकता है सुजीत कुमार डॉट आईपीटी हो सकता है कुछ और हो, तो ये तो फिक्स हो गया नहीं। हर मान लीजिए कि नीचे मेरे पास बहुत सारा मेल आईडी है, तो हर किसी से मुझे इधर से डॉट लगाना पड़ेगा, ये तो काफी दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। तो इस केस में क्या करेंगे, तो ए हमारे पास एक फाइंड का फॉर्मूला है कि इक्वल फाइव। फाइंड के फॉर्मूले में मैं यहां पे एट द रेट का बटन दबाता हूं और बोलता हूं विद इन टैक्स, किसके अंदर, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके विथ इन टेक्स हो गया, इसके एट द रेट को सर्च करना है इस B19 के अंदर, और एक पहले नंबर से स्टार्ट करता है तो 6 आ गया। तो मैं ऊपर जो अपने 5 मैनुअल लिखा हूं उसको मैं इसमें से -1 कर दू, अब मेरा ऑटोमेट हो गया कि मैं कुमार के जगह पे, मान लीजिए मैं कुमार के जगह पे मैंने एक्सेल दे दिया कि EXCEL, तो अपने आप अलग कर देगा, ठीक है, तो अपने आप अलग कर देगा। और ऐसे साइड अलग करनी है तो यहां पे मैं लगा लूंगा राइट, इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि लेंथ, इसकी जितनी भी लेंथ है उस लेंथ में से माइनस कर दे फाइंड की पोजीशन, तो वेबसाइट और आईडी दोनों अलग हो गए। हालांकि अगर इसको अलग करना है तो हम टेक्स्ट टू कॉलम से भी अलग कर सकते हैं या फ्लैश फिल से भी अलग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से अलग करने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर मैं इसको चेंज करता हूं कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, जो कि फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम से नहीं होता। सर इसको एक बार रिपीट करना, कहां पर दिक्कत है बताइए, फाइंड वाले में सर, फाइंड सिंपल फॉर्मूला है फाइंड का, सर यहाँ फाइंड फंक्शन क्या कर रहा है, फाइंड फंक्शन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर नंबर टेक्स्ट जो भी आप लिखोगे उसको एक टेक्स्ट के अंदर खोजता है, ढूंढता है, फाइंड करता है, अगर मिल जाता है तो बताता है कि वो कितने कैरेक्टर के पोजीशन पे है, कितने कैरेक्टर बाद है, बोला है कि छठे नंबर कैरेक्टर पे है, अब ढूंढो ना, 5 एक्सेल हुआ है, छठे नंबर एडिट है, पोजीशन बता देगा। सर ये एक्सेल में क्लिक कीजिए ना एक बार, सर एक्सेल जो सेपरेशन केस है उसमें क्या इस पे, तो सिंपल लेफ्ट हैंड का फार्मूला है, लेफ्ट B90 C20 - C20 - जिसमें सर ये जो C20 सर नीचे लिखा रहा 6 रहेगा ना सर, तब जाके हम लोगों को हो जाएगा ना, अभी मेरे को ये 6 जो है ना सर वो तो ब्लॉक भी कर लीजिए फाइंड फार्मूले भाई, मां जी आप इस तरह से बात क्यों करते हैं सर, दिल तोड़ दिया आपने, इसे पेस्ट कर दीजिए, हो गया, अब C20 की जरूरत खत्म, वही बता रहा था सर आपको। और सर ये -1 इसलिए किया है क्योंकि फाइंड में जो बताया वो एट दी रेट तक की पोजीशन बताया ना, कि मुझे एट दी रेट छठे नंबर पे है, लेकिन मुझे तो एट दी से पहले का और उठाना है ना, इसलिए मैंने -1 किया, मतलब एट द रेट को हटा देता है, हाँ एट द रेट नहीं चाहिए ना मुझे, ठीक है सर, ठीक है। तो इस सेपरेशन इस तरह से कर सकते हो, मैंने इसको ऑटोमेटिक सेपरेशन बोलते हैं। अब सेपरेशन के बाद ज्वाइन करने का, हेलो जी बोलिए,
सर एक बार है ना, एक एक एग्जांपल उसका दे दीजिए, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का। मिडिल नेम क्यों, फाइंड का वर्डिंग कर अपने आप अलग कर सकते हो। सर इसमें डबल फाइंड अपन लगाना पड़ेगा ना सर, वो डबल फाइंड का थोड़ा सा मैंने देखा भी था, कंफ्यूजन था थोड़ा सा। ये तो दिक्कत है सर, हर चीज मुझसे ही सीखो, ये तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ अपने से सीखो सर। नहीं सर मैंने वीडियो भी देखा था, कुछ समझ में कम बैठा थोड़ा सा। बादाम खाएंगे जी समझ में ज्यादा आएगा। क्या होता है कि फाइंड फॉर्मूले के अंदर क्या होता है कि इसको सेलेक्ट किया मैंने और मैंने बोल दिया कि माफ कीजिएगा स्पेस, हमने बोल दिया यहाँ पे इसको, और हमने यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो इसलिए बता दिया कि सातवें नंबर पे पहला स्पेस है, लेकिन इसमें दो है ना, मुझे फर्स्ट नेम मिडिल नेम दोनों को अलग करना है। तो उसके लिए मैं एक और फाइंड यहां पे लगाऊंगा, फाइंड में मैंने बोला स्पेस और इसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहां पे वापस वन लिखूंगा तो सेवन ही आएगा। देखिए मुझे चाहिए अगली स्पेस, तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो वन होता है, वन होता क्या है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्ट नंबर मतलब कि फाइंडिंग वो कहां से स्टार्ट करेगा। तो वन मतलब कि पहले लेटर एस से स्टार्ट करो, लेकिन मैंने यहां पे क्या बोला कि सेवन प्लस वन मतलब कि आप जो है आठवें नंबर से मतलब कि स्पेस के बाद के से फाइंडिंग स्टार्ट करो। जब वो के से फाइंडिंग स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है इस स्पेस में उसको मिलेगा, इसकी काउंटिंग देगा, तो ये आपको 13 देगा। तो आपकी पहली स्पेस सातवें नंबर पे है और दूसरी स्पेस आपके 13वें नंबर पे है। तो यहां पे आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाओ और बोलो कि 7 माइनस 1, ठीक है। मिड का फॉर्मूला लगाओ और मिड में क्या हुआ कि मेरा मिड स्टार्ट है 7 प्लस 1 मतलब कि स्पेस के बाद के से, और कितना मिड है तो हमने बोला 13 माइनस 7 मतलब कि इस स्पेस की दूरी को इस स्पेस दूरी से मैंने माइनस कर लिया, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास कुमार। और फिर यहां पे मैंने राइट का फॉर्मूला लगाया और राइट में बोला कि कंप्लीट लेंथ माइनस दूसरी सेकेंड स्पेस, सिंपल है, ठीक है। थोड़े से रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं सर बिल्कुल। अब बात आगे बढ़े सर, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है ज्वाइन करने का, कि मुझे अगर दोनों को ज्वाइन करना है, सुजीत और कुमार को आपस में ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो है कॉनकेटेनेट का फॉर्मूला, कि कॉनकेटेनेट हमने इसको सिलेक्ट किया और कॉमा इसको सिलेक्ट किया तो इस ज्वाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं इसमें स्पेस दे दूं, स्पेस सेपरेट किया तो मैं कॉमा लगा के स्पेस भी दे दिया, स्पेस सेपरेट हो गया। या दूसरा तरीका है कि मैं यहां पे एन परसेंट से भी इसको आपस में ज्वाइन कर सकता हूं, एन परसेंट में सिंबल होता है उस सिंबल से, फिर यहां भी ए भी हो गया, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब डे टाइम वगैरह करते से मैंने बोल दिया कि मुझे इनको आपस में ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से कि इक्वल फ्रॉम, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने यहां पे दिया स्पेस टू स्पेस, फिर मैंने इसको 2800 सेलेक्ट किया। लेकिन ये क्या हुआ कि 42767 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब भी आपका फॉर्मूला लगता है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, और डेट आपका फॉर्मेट में डेट की तरह दिख रहा है लेकिन ओरिजिनल में 42767 ही है। तो इस केस में क्या करें, तो कॉनकेटेनेट करने से पहले आप टेक्स्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, और जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग बताया था कि dd/mm/yy वो इस्तेमाल करें, या फिर तीन बार m कर देंगे तो फिर आपका हॉट लेटर में नेम आ जाएगा मंथ।
और फिर इसको सेम फॉर्मूला से कॉन्क्रीट, ठीक है, तो आपका रिजल्ट आएगा। तो टेक्स्ट फॉर्मूला जो कस्टम फॉर्मेट में चीजें दिखती है उसी को यहां दिखाने का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो टेक्स्ट कैटेगरी में बाकी जो फॉर्मूले हैं उसको एक बार देख लेता हूं मैं, बाकी छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो उसके भी एक बार बात कर लेता हूं। जैसे कि केस चेंज करने का है, ए लोअर फॉर्मूला क्या करता है, लोअर में कन्वर्ट कर देता है, अपर फॉर्मूला क्या करता है, अपर में कन्वर्ट कर देता है, और किसी भी लेटर या किसी भी सेंटेंस को, सेंटेंस भी लिखोगे तो भी कर देगा, ठीक है। एंड प्रॉपर फॉर्मूला इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक दिक्कत और है, अब बात करते हैं कि हमने बताया ना कि यहाँ पे सुजीत है, माने कोई और नाम लेते, हर बार मेरा ये नाम ना ठीक नहीं है, मैंने बोला राव और यहाँ पे भी दे दिया मैं राव, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर जाएंगे। कब? जब आप नॉर्मल इफ या नॉर्मल कंडीशन लगाते हैं तो मैच कर जाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि केस सेंसिटिव हो तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए यहां हम लगा सकते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? एग्जैक्ट, कि टेक्स्ट वन इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू इसको सिलेक्ट किया, अब ये दोनों आपस में आपके मैच कर जाएगा। एग्जैक्ट फॉर्मूले में जब तक आप पूरी प्रॉपर नहीं लिखोगे जैसा है वैसा, तब तक मैच नहीं करेगा, जस्ट लाइक पासवर्ड, ठीक है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और फॉर्मूला होता है रैप्ड का, जैसे रिपीट करता है, किसी एक लेटर को लीजिए और मैंने यहां पे रैप्ड का फॉर्मूला लगा दिया तो उसको लेटर में रिपीट कर देता है, कितना लेटर चाहिए, आठ बार चाहिए तो आठ बार रिपीट कर देता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट हम लोग इस्तेमाल करते थे अपने 2003 के अंदर, 2007 में तो खास नहीं है, 7 या 13 में, में इसका इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक हमारे पास डेटा बार होता है जो कि बार क्रिएट कर देता है, ठीक है। बट 2003 में इसको इस चीज की फीचर नहीं है। दूसरा, हम सिर्फ इस बार को कहीं पे रिकॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन की इसकी स्पेसिफिक मेथड के अकॉर्डिंग, एक मेथड है उसका, थ्योरी है कि किसी भी फॉर्मेटिंग को आप कहीं कॉल नहीं कर सकते, इस पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कॉल नहीं कर सकते, वो जस्ट विजिबिलिटी होती है। तो यहां पे हम एक काम करते हैं, रैप इस्तेमाल करते हैं, रैप, और रैप में मैं यहां पे सिंगल कोड दे देता हूं और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं 85 और एंटर मारता हूं, तो ए इस तरह से रिपीट कर देता है, राइट। लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्म होता है बिटैलिक बोल्ड का, तो आप इसमें नीचे जाइए, बिटैलिक बोल्ड अप्लाई कर दीजिए तो आपका एक बार क्या दिखेगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बार हो गया है। तो मैं इसको सबको डिवाइड कर देता हूं 5 से, तो एक सेल के अंदर छोटा हो गया। अब मैं इसको कहीं कॉल कर सकता हूं, ठीक है। इस तरह के और भी इस्तेमाल आप अपने अंदर में कर सकते हो रैप्ड फॉर्मूला से। सर एक ही जगह पूछिए, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, हेलो, पूछिए पूछिए। हाँ बोलिए विकास। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे ये स्मॉल लेटर में है राम और उसमें और कैपिटल में राम, अगर से दोनों पे प्रॉपर फंक्शन लगाकर मैच कराया जाए तो हो जाएगा? नहीं समझा आप, कि नॉर्मली तो मैच करता ही करता है ना, इफ तो नॉर्मली मैच कर जाता है। हम एग्जैक्ट का फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हमें मैच नहीं कराना। ओके सर, सर जो आपने बार चार्ट बनाया है
कॉलम बी के अंदर, इसके अंदर अगर मुझे अपने फिगर्स चाहिए हो 85% और 36%, तो कैन आई जस्ट पॉपुलेट दैट एज वेल? इसके आगे लिखना चाहते हो आप? हाँ जी, हाँ, तो इससे तो कॉन्कैटेनेट कर लीजिए। अच्छा ओके, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? तो एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर हमने किसी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखने के बाद क्या होता है कि अगर मैं इस पे मल्टीप्लाई बाई ए कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 30 कर दिया, या पूछे माफ कीजिएगा, इसको नंबर में कन्वर्ट अगर आपको करना है, क्योंकि तो ये टेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर चाहते हो कि नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने इसको सिलेक्ट किया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए या प्लस 0 कर दीजिए तो कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आपके पास एक फॉर्मूला होता है वैल्यू का, तो उस वैल्यू का फॉर्मूला लगा के भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो वैल्यू का फॉर्मूला लगा के भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी हमने खत्म कर दी, जो कि था टेक्स्ट फॉर्मूला। अब तीसरी कैटेगरी डेट एंड टाइम के अंदर बात करते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मुझे कुछ नहीं आता है इसमें। ओके, चलिए आवाज आएगी। डेट एंड टाइम, तो सबसे पहले बात जानिए कि हम डेट कैसे लिखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो यूएस फॉर्मेट होता है डेट लिखने का, वो यूएस फॉर्मेट होता है MMDDYY, मतलब कि MMDDYY। अगर आज का डेट मुझे लिखना है तो मुझे मंथ 3/5, अगर ये मंथ इस ईयर का है, जो डेट है करेंट ईयर है, तो हमें ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर है तो फिर आपको स्लैश करके ईयर लिखना पड़ेगा। लेकिन कंफ्यूजन कभी कभी होती है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू मान लो एक ही फॉर्मेट में काम करते हो, लेकिन क्या होता है कि अगर डिजिटल सेटिंग चेंज है तो फिर आपको DDMMY पे भी लिखना पड़ता है। ये जो डेट का फॉर्मेट डिपेंड करता है आपकी डिजिटल सेटिंग पे, जो कंट्रोल पैनल में होती है। अगर एजेंट सेटिंग में आपने चेंज कर दिया तो फिर ये 3 मार्च क्या हो जाएगा, ये आपका 3 मार्च जो है आपका 5 मई बन जाएगा, नहीं सॉरी 3 मई बन जाएगा, 5 मार्च 3 मई बन जाएगा, तो डिपेंड करता है। तो अगर कंफ्यूजन इस तरह से हो रहे, तो सिंपल सा लिखने का तरीका है कि आप इस तरह से लिखो 5 मार्च, तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन दिक्कत होती है कहीं भेजने में डेट हुआ, तो अगर इसको सेपरेट करना है आपको, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ईयर का, जो कि इसमें से ईयर को अलग करता है। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है मंथ का, जो कि इसमें से मंथ को अलग करता है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डे का, जो कि इसमें से डे को अलग कर देता है। तो ईयर, मंथ और डे को अलग कर, अलीज क्या हुआ, एक बड़े चुप चुप से है, समझ में नहीं आ रही क्या कुछ? ये तो हम उसको कंबाइन करने के लिए ईयर, मंथ और डे तीनों दे देते हैं। बोलो क्या हुआ ये अली जी, चुप 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 है, समझ में आ रही है चीज आपको? हाँ सर, समझ में आ रही है। ठीक है सर, मैं म्यूट कर रखा हूँ, पीछे उसी का क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे आपने मंथ के अंदर फॉर्मूला लगाया, तो आपका 3 आया, अगर मुझे इसमें मार्च चाहिए तो? मार्च चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्मूले, तो उसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट कीजिए इसमें, और फिर इसमें आप कर दीजिए DDD 3 बार, चलिए MM हो जाएगा, माफ कीजिएगा MM हो जाएगा, MMM 3 बार, ठीक है। तो अगर मुझे किसी, मान लो अगर आपको कंफ्यूजन है कि किसी का सिस्टम डेट का सिस्टम जो डेट है वो डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कि वो DDMMM का चक्कर है, तो उस केस में हम कर सकते हैं कि हम किसी को डेट भेजिए ना, तो डेट फॉर्मूले में लिख के भेज दीजिए आप कि डेट 2017 3 यहां पे 5।
अब किसी भी सिस्टम के डेट पे जाएगा, चाहे उसकी रीजनल सेटिंग कैसी भी क्यों ना हो, वो डेट जो है वो हमेशा 3 मार्च ही दिखेगा, राइट। या फिर कभी भी एक दिक्कत और भी होती है, जैसे कि किसी ने डेट कुछ इस तरह से भेज दिया कि 3.2017, ठीक है, तो इस तरह से भी दे दिया, तो फिर इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए भी सिंपल है कि आप अपने इसमें डेट में सॉरी इसमें डेटा के अंदर होता है टेक्स्ट कॉलन नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां पे DMY कर दीजिए एंड फिनिश कर दीजिए, ये आपका डेट हो जाएगा। लेकिन कभी अगर आपको कंपनी सॉफ्टवेयर में एक डेट और आती है इस तरह से कि 2017-03-05 आता है ना सर, क्यों नहीं दिखा, 4 नवंबर, तो इस पे एक मैंने ऐसा क्यों दिख रहा है, अच्छा पहले ऐसा लगा देते हैं, वो करेंसी है इसलिए जनरल कर देता हूं, ठीक है। तो इसको डेट में कैसे सोच किया जाए, तो उसको भी आप टेक्स्ट कॉलम में जाइए और टेक्स्ट कॉलम में आप नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे YMD कर दीजिए एंड फिनिश, डेट आ गया, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का एक तरीका है जो कि मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे चलते हैं। सर सर एक क्वेश्चन सर यहाँ पे पूछिए। सर मेरे पास एक कल डाटा शीट ऐसा आया सर, एक फॉर्मेट आया सर 3/5/2017 सर एक ही रो में, और दूसरा आया सर एक्चुअली वो फेब मंथ का ही था 02/10/01/2017 था, तो सेम मंथ का सर जो जो ऑपरेटर है उसने क्या किया, सेकंड में सेकंड डेट के लिखे 01/02/2017 लिख लिया, हालांकि वो गलत लिखा, तो मुझे सर ऐसा करके मतलब वो करेक्ट करना था सर, वो कैसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया टेक्स्ट कॉलम से सिलेक्ट कर लो, टेक्स्ट कॉलम में चले जाओ, DMY सिलेक्ट कर लो। नहीं सर वो तो अभी देखिए सर वो नेक्स्ट कॉलम जो जनवरी दिखा रहा है इसके बाद वाला मार्च दिखा रहा है इसके बाद वाला ऐसा दिखा रहा है, लेकिन वो सब डेट फेब का ही है। हां तो वही बताया ना आपको, मंथ को डेट को मंथ ले लिया ना उसने, हां हां करके देखिए, नहीं होगा तो मुझे पूछिए, फिर और ऑप्शन देखेंगे। अब नेक्स्ट जो आता सर मुझे एक मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ फरमान जी के सर अगर मैंने जो है वो विदाउट अपोस्ट्रोफी यानी 2-12 मेंशन करना है तो वो कैसे होगा, वो उसको जो नंबर में कन्वर्ट कर देता है 2-10 या डेट में कन्वर्ट कर देता हो, वो सिंगल कोट लगा लीजिए 2-10 हो गया सर। बस बट मेरी शीट पे एक नेम है ना, तो मैं इंडायरेक्ट फॉर्मूला के साथ उसको कॉल करना चाहता हूँ, बट अपोस्ट्रोफी के साथ वो लेता नहीं है, तो सर वो तो देखना पड़ेगा, मुझे भेज दीजिए मेल, मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, बताता हूँ फिर आपको। ओके सर, अंदाज तो पता है, अंदाज क्या बोलूं। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है टुडे का, टुडे फॉर्मूला क्या करता है, तो टुडे फॉर्मूला करता है कि करेंट सिस्टम डेट निकाल के देता है, राइट। अब मान लीजिए इस डेट में मुझे अगर 20 दिन जोड़ने हैं, एक पर्टिकुलर डेट में मुझे अगर 20 दिन जोड़ने हैं तो क्या करें, तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट कीजिए और +20 कर दीजिए। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर डेट में अगर मान लीजिए कि 3 महीने जोड़ने हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप 30 × 90 करें, उसके लिए आप यहां पे ई डेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ई डेट स्टार्ट डेट और यहां पे मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा, राइट। इस पे डेट का फॉर्मेट अप्लाई की तो डेट आ जाएगा।
अब इसमें मैं माइनस थ्री कर दूं तो माइनस हो जाएगा, प्लस थ्री करूं तो प्लस हो जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर डेट में मुझे 2 साल 4 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए ऊपर वाला मेथड इस्तेमाल होगा, मतलब कि मैं डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा यहां, किसका? डेट का, और मैं ईयर के फॉर्मूले के अंदर करूंगा और इसमें से मैं ईयर को अलग करूंगा और इस पे प्लस मैं 2 कर दूंगा कॉमा, फिर मैं यहां से मंथ का फॉर्मूला अलग करूंगा और फिर इसमें से मंथ को अलग करूंगा और मंथ प्लस 4 कर दूंगा, फिर मैं इसमें से डे का फॉर्मूला अलग करूंगा, फिर डे में 22 डाल दूंगा। तो क्या होगा कि ईयर को क्या होगा, 2017 प्लस 2 2019 मिलेगा, मंथ को क्या मिलेगा, मंथ को 3 प्लस 4 7 मिलेगा और डे को 22 प्लस 5 मतलब कि 27 मिलेगा। तो रिजल्ट आपका आएगा 27 जुलाई 2019। इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर डेट में दिन, महीना, साल किस तरह से ऐड करोगे, ये तरीका है आपको ऐड करने का। सर, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सर, अगर जैसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 साल 4 महीने, अगर मुझे कुछ एक्शन लेना है, मेरा इन्वेंटरी टर्नओवर है, तो मुझे एक्शन लेना है कि मुझे मेल डालना है या अपने क्लाइंट से बात करनी है on that particular day, अब वो सैटरडे और संडे नहीं होना चाहिए, can I calculate the exact day as well? हाँ, कर सकते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं, मतलब कि उसके लिए अलग तरीका है, मैं बता दूंगा आपको, अभी आगे बताता हूँ, वो अलग फॉर्मूला है। ओके, अब जो डिफरेंस की बात करते हैं हम, कि दो डेट में मुझे डिफरेंस निकालना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दोगे तो आपका डिफरेंस इन द डे आ जाएगा। इसमें सैटरडे संडे हर चीज ने काउंट किया हुआ है, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो है डे, डेज का। तो डेज नाम का एक नया फॉर्मूला आया जो यही काम करता है जो मैंने बताया, कि लेटेस्ट कॉमा ओल्डेस्ट कर दोगे तो डिफरेंस आपको दे देगा। फिर दूसरा आता है कि मुझे डिफरेंस निकालने हैं, ये तो हो गया, लेकिन मुझे डिफरेंस निकालना है डे 360 के अकॉर्डिंग, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 360 दिन का होता है, 360 डेज का होता है। तो आपके पास 360 का फॉर्मूला है, तो डेज 360, तो ये स्टार्ट डेट एंड कॉमा एंड डेट दे दिया, तो दो डेट के बीच में डिफरेंस निकाला और साल को 365 नहीं 360 दिन। नेक्स्ट आता है कि मुझे डिफरेंस निकालना है एग्जैक्ट वर्किंग डे, कि मेरा सैटरडे एंड संडे और कोई पर्टिकुलर हॉलीडे को छुट्टी थी तो कितना दिन वर्किंग हुआ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क डेज, कि स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, फिर इसमें हॉलीडे लिस्ट कि किस किस दिन आपकी छुट्टी थी सैटरडे संडे के अलावा। तो ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी इन दोनों डेट के बीच में डालो, आप इसमें छुट्टी पूरे साल का डाल दो, जो इन दोनों के बेस की डेट का होगी तो उसी को पिक करेगा आपका सिस्टम और डिफरेंस मिलेगा, ठीक है? फिर अगर मान लीजिए कि अगर मेरी कंपनी सैटरडे एंड संडे छुट्टी नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर डेज में छुट्टी होती है, जैसे फरहान जी फ्राइडे सैटरडे छुट्टी करते हैं, गल्फ कंट्रीज में ये होता है, तो इस तरह से अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है। तो नेटवर्क डेज डॉट INDL मतलब कि इंटरनेशनल, ये आपका 2010 ऑनवर्ड फॉर्मूला आया होगा, 2007 में नहीं मिलेगा। तो नेटवर्क डेज डॉट INDL स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, फिर आपको बोलेगा सिलेक्ट द वीकेंड, कि आपकी वीकेंड कब होती है, 2 दिन होती है या 1 दिन होती है, वो आप सिलेक्ट कर सकते, ठीक है? तो ओनली संडे होता है, संडे सेलेक्ट कर लिया, देन सेलेक्ट द हॉलीडे लिस्ट कि आपकी कंपनी ऑफ कब थी। तो आपको यहां पे दिखा दे रहा है कि छुट्टी हमारी कब थी, ठीक है? तो ये नेटवर्क डेज INDL समझ में आ गया।
अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बैंक को एक रिक्वेस्ट प्रोसेस की आज के डेट में, आज के डेट में बैंक को मैंने एक प्रोसेस किया एक रिक्वेस्ट, तो बैंक वाले जो है बोले कि सर 15 वर्किंग डे में आपके रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं किस दिन फोन करूंगा कि भाई मैं रिक्वेस्ट कंप्लीट, कब तक उम्मीद रखूं कि मैं रिक्वेस्ट पूरा हो जाएगा? तो उसके लिए यूज करते हैं यहां पे वर्क डे, वर्क डे स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज एंड फिर आपकी हॉलीडे, सैटरडे संडे के अलावा जो छोटी छुट्टी आपकी जो ऑफिशियल छुट्टी होती है वो डाल दीजिए। तो डेट आपका आएगा कि मेरा 24 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम कि अगर सैटरडे संडे वो ऑफ नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट सैटरडे एंड संडे को पिक करता है, तो आपके पास workday.international है INDA, उसको सिलेक्ट करें, स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज एंड वीकेंड्स कि आपकी छुट्टी कब होती है वो सेलेक्ट कर ले, उसका नंबर यहां लिखना पड़ेगा और फिर होलीडे लिस्ट, तो आपका डेट बताएगा कि आपकी छुट्टी मतलब आपका कब होगा, 22 मार्च को होगा, सिर्फ संडे हुआ तो 22 मार्च को होगा। तो देवेंद्र जी आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, किसी का एज निकलना होता है सर, कैसे निकलते सर? देवेंद्र जी सर, मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे कि इमाज जी ने पूछा किसी की एज कैलकुलेट करनी है। हेलो, हाँ बोलिए। तो किसी की एज कैलकुलेट, तो मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10th जुलाई 1987, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनकी एज आज के डेट में निकालना है, और यहां पे मैंने बोला कि इनकी एज मुझे ईयर में, मंथ में और डे में चाहिए कि कितना साल, कितना महीना और कितना दिन हुआ है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेट एट इफ का फॉर्मूला, कि डेट एट इफ ब्रैकेट ओपन अपडेटेड इफ, याद रखिएगा आपका एडिंस फॉर्मूला है इसलिए वो लिस्ट में नहीं आता है, इसकी ऑपरेशन उसके सजेशन में नहीं आते, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो डेटेड इफ इसको हमने किया सिलेक्ट स्टार्ट डेट कॉमा एंड द डेट ऑफ बर्थ एंड नाउ डेट, एंड मुझे डिफरेंस ईयर निकालना है तो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने वाई दे दिया तो ये ईयर आ गया। फिर सेम मैं डेटेड इफ यहां पे लगाता हूं ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट करता हूं कॉमा, इसको सेलेक्ट करता हूं, फिर मैं डिफरेंस इन द मंथ चाहिए तो यहां पे एम करूंगा, लेकिन ध्यान रखिए एम अगर करते हो तो डेट डिफरेंस इन द मंथ आएगा, लेकिन मुझे चाहिए कि 29 साल के बाद कितना मंथ बचता है, तो मैं यहां पे एम से पहले वाई लगा दूंगा, जो वाई है मतलब कि वाई को इग्नोर करके जो एम आता है वो चाहिए, तो ये सेवन आ गया। और फिर सेम मैं यहां पे करता हूं डेटेड इफ, और फिर यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसमें मैं एमडी करेंगे मतलब मंथ के इग्नोर करके जो डेट आता है मतलब 7 महीने के बाद जो डेट है दिन है वो डिफरेंस आएगा, तो 23 दिन मतलब जी नहीं वाई एम नहीं होगा, दो ही डेटे चाहिए, ईयर से मतलब नहीं मंथ से मतलब। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 10th जुलाई 1987 है तो आज उसकी एज हो जाएगी 29 साल 7 महीने 23 दिन, ठीक है, तो डेट निकालने का डिफरेंस आ गया। अब चलिए कुछ और फॉर्मूले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं डेट डाला कोई भी डेट डाला मुझे इस महीने के एंड डेट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास होता है ईओ मंथ का फॉर्मूला कि एंड ऑफ द मंथ,
मतलब कि सिलेक्ट किया ईओ मंथ और मैंने मंथ में दे दिया जीरो, मतलब इसी महीने की लास्ट डेट, तो ये निकाल के दे दिया 31 मार्च। अगर मैं जीरो की जगह पे माइनस वन कर दूं तो ये पिछले महीने की एंड्रॉइड दिखा देगा, और फिर मैं इसको अगर वन प्लस में दूं तो अगले महीने के, जितना डिफरेंस आप डालना चाहते हो उतना डिफरेंस दोगे तो उस महीने की लास्ट डेट आपको दे देगा। उसी तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास कुछ डेट डले हुए हैं जैसे कि, और मुझे इसका वीक चाहिए इन द नंबर में कि एक वीक का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वीक डे। तो वीक डे और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पे कॉमा पूछेगा कि आपका वीक स्टार्ट कब से, मतलब कि हम लोगों का वीक तो मंडे से स्टार्ट होता है ना, अब गल्फ में संडे से स्टार्ट होता है, तो अलग अलग कंट्री के अपने अपने हिसाब से होते हैं। तो जो आपका वीक सिस्टम है, हमारा टू है, मतलब कि मंडे से स्टार्ट होता है, तो हमने टू सेलेक्ट कर लिया, एंटर मार दिया। तो मार्च, एक मार्च वीक का तीसरा दिन, और आज 5 मार्च है, मतलब कि वीक का 7वां दिन है। फिर कल जो है वीक का पहला दिन है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिपीट करना एक बार, ये वीक डे सिंपल फॉर्मूला है, वीक डे देखते हैं लगा हुआ है, वीक जब से स्टार्ट होती है, एक मतलब संडे, दो मतलब मंडे। एक और फॉर्मूला आता है इसमें वीक नंबर का, तो वीक नंबर क्या करता है ये बताएगा कि साल का कौन सा वीक है। तो साल का 9th वीक है, इस 2017 का 9वां वीक चल रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो, तो मतलब कि मैंने एक काम लिया जो कि 1 जनवरी से पूरे साल करना था, एक साल का मुझे कुछ पैसे मिलने वाले थे, लेकिन मैं एक साल नहीं, आज इस काम को खत्म कर रहा हूं, तो मैंने कितना परसेंट मैंने बिल मुझे 1 ईयर के लिए जो है, 1 ईयर के लिए मुझे 5 लाख रुपए की बात हुई थी, बट वन एक साल तो काम मैंने किया नहीं, तो मैं कितना, 5 लाख का बिल तो नहीं कर सकता ना। तो हमारे पास एक ईयर फ्रिक्वेंसी होती है जो कि बताता है कि स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और ये होता है ना कि साल आपका 365 का है या 360 का है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा 17% समथिंग हमने ईयर को इस्तेमाल कर लिया। सर ये समझ नहीं आया, दोबारा क्यों बताएंगे? देवेंद्र जी सिंपल सी बात है ना कि अगर आप मान लो आप सीए हैं और आपने एक कंपनी को एक साल ऑडिट करने का वादा किया, ठीक है, एक साल ऑडिट करने के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की कोटेशन फाइल की, अमाउंट फिक्स हुआ, बट किसी कारणवश से आज उस कंपनी को छोड़ रहे हो, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप बिलिंग अमाउंट 5 लाख तो नहीं करोगे ना, क्योंकि आपने पूरा साल तो काम किया नहीं है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। अब तो डेट का हो गया पंडा, अब बात करते टाइम। तो जैसे कि कोई भी टाइम हम लिख देते 10:20 हमने लिख दिया, तो एएम पे चला गया, तो अगर एपीएम का टाइम है तो आपको स्पेस करके 10 बजे लिखोगे ना, 10 बज के रात को लिखना है मुझे, तो 10:20 और स्पेस पीएम लिखना पड़ेगा, तब जाके वो रात का टाइम होगा, या फिर सिंपल 24 आवर का फॉर्मेट लिख दीजिए तो टाइम सेट करेगा। अब मुझे इसी में से कन्वर्ट करने टाइम कि मुझे आवर अलग करने से, डेट टाइम हमने अलग किया था, तो मेरे पास आवर है जो कि आवर को अलग करता है, और मेरे पास नेक्स्ट है मिनट का है जो कि मिनट को अलग करता है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास मेरे पास है सेकंड का जो कि सेकंड को अलग करता है, एंड वापस टाइम फॉर्मूला क्या करता है, इसको कंबाइन कर देता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर 10 बजे हमने क्लास 10 बजे मान लीजिए हमने किया, और मुझे इसमें 10 बजे में मुझे मान लो 40 मिनट जोड़ना है,
तो अगर 40 मिनट अगर मेरा टाइम फॉर्मेट में है तो नॉर्मली हम प्लस कर देंगे, ठीक है। लेकिन 40 इन द नंबर फॉर्मेट तो प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि एक्सेल वन को इधर 24 आवर मतलब कि एक दिन समझता है, वन इक्वल टू 24 आवर मतलब कि एक दिन। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहां पे प्लस टाइम और इसमें आवर मिनट आवर जीरो जाएगा, जीरो आवर 40 मिनट एंड जीरो सेकेंड करना पड़ेगा, तब जाके ऐड होगा, ठीक है। अब डिफरेंस की बात करें कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने अगर सुबह ऑफिस 10 बजे ऑफिस गया और रात को 10 बजे या 8 बजे मैं ऑफिस आ गया, तो मैंने कितना देर काम किया, तो यू कैन जस्ट माइनस ओल्डेस्ट डेट टू लेटेस्ट डेट टू ओल्डेस्ट डेट, तो आपको डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि आज मैं दोपहर के 2 बजे ऑफिस गया और रात को 3 बजे मैं ऑफिस आया, अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि डेट चेंज हो रहा है, तो आपको इसके सामने इसका डेट लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 5 तारीख को ऑफिस गया और 6 तारीख को ऑफिस से आया, या तो आपको डेट एंड टाइम को खाया तो प्लस करना पड़ेगा या फिर इकट्ठे लिखना पड़ेगा। तो खाया तो प्लस कर दीजिए या आप इकट्ठे लिख सकते, और फिर आप लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम निकाल सकते हैं। जो टाइम का फॉर्मेट आएगा उस पर आप फॉर्मेट जो अप्लाई करेंगे वो 37 30 55 का अप्लाई करेंगे, तो आपका एग्जैक्ट आवर लग जाएगा, ठीक है। तो टाइम की कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट? बोलिए, नो डाउट। ओके अली जी, आपको कोई डाउट है? नहीं सर। अब नेक्स्ट जो इसमें है कि अगर टाइम को अगर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया इस तरह से, तो इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम वैल्यू का, ठीक है। फिर इसको आप कन्वर्ट कर दो अपना टाइम फॉर्मेट में, तो टाइम आ जाएगा। दूसरा, अगर हमने डेट को भी इस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया 1 जैन, तो इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डेट का फॉर्मूला होता है, डेट वैल्यू का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। डेट तो हमने तीसरी कैटेगरी भी खत्म कर ली, तो टेक्स्ट को, डेट, टाइम एंड लॉजिकल, तीन कैटेगरी खत्म कर लिया। और मुझे लगा, मुझे हिसाब से मैंने आज आपको कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया, तो इससे आगे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अगली कैटेगरी शुरू करता हूँ, अदरवाइज हम कल बात कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जैसा आप लोग कहें। अली जी, हाँ सर जी, आगे पढ़ना है? नहीं सर, अभी काम करते हैं, नेक्स्ट में करते, चलिए। तो अगली क्लास में हम अगली कैटेगरी के बारे में बात करेंगे संडे को, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग में अपडेट कर देता हूँ, आपको मिल जाएगी। हाँ हाँ सर, जरूरी सर। हाँ बोलिए सर, ये एक्सेल की फाइल मेल कर देना, ठीक है, जरूर। सर एक बार पूछ रहा था सर आपको, पूछिए सर, पिवट का सर जो वीडियोस है ना सर, आपका पिवट का सर मेंशन, मतलब सेपरेशन क्या होगा सर फाइल नेम से पिवट का, जो सब सर डेट एंड टाइम से वीडियोस तो आपके डेट एंड टाइम से मिलते हैं ना, आपने अपने सारे वीडियो डाउनलोड नहीं किए हैं, वीडियोस अपने बैच की सारे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस अब डिलीट होने वाले हैं, इसका स्पेस पूरा रहा है, तो डिलीट करूंगा मैं प्रीवियस वीडियो, 12 GB हो चुका है, 3 GB खाली है बस। ठीक है सर, डाउनलोड करता हूँ। हाँ प्रांत जी,
सर इसमें आप जो वीडियोस के लिए मेगा को क्लाउड कर ले इफ पॉसिबल तो उसमें स्पेस ज्यादा मौजूद है 50 MB 50 GB है सर 50 GB तो सर वो फोन को सपोर्ट करता है सपोर्ट करता है आप चेक कर ले एक मिनट ठीक है मैं चेक कर देता हूँ